बस्ताकोला ओसीपी लोडिंग पॉइंट में डियो ट्रक लोडिंग शुरू नहीं होने के विरोध में संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने परियोजना का उत्पादन व डिस्पैच अनिश्चितकालीन ठप करने का चेतावनी दिया है। ये उक्त बातें बुधवार को संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने परियोजना के समीप प्रेस वार्ता करते हुए प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर मोर्चा के रिंकू शर्मा ने कहा कि प्रबंधन करीब 3 महीने से ट्रक लोडर असंगठित मजदूरों के साथ टाल मटोल की नीति अपना रही है। कई बार प्रबंधन से 9 संगठन के संयुक्त मोर्चा नेताओं ने वार्ता किया, परंतु प्रबंधन अपने वादा पर खरी नहीं उतरी। प्रबंधन के इस रवैये से बस्ताकोला, विक्ट्री, सोनार बस्ती, चांदमारी मांझी बस्ती के करीब 800 मजदूर का रोजगार बंद हो गया। अगर प्रबंधन 15 दिनों के अंदर ट्रक लोडिंग शुरू नहीं हुआ तो परियोजना का उत्पादन व डिस्पैच ठप कर दिया जाएगा। वही प्रेस वार्ता का नेतृत्व कर रहे गुड्डू सिंह ने कहा कि प्रबंधन किसके दबाव में काम कर रही है, ये समझ से परे है। प्रबंधन ने सभी संगठन से मजदूर के दंगल का सूची मांगी थी। मजदूरों की सूची प्रबंधन उपलब्ध कराए महीनों बीत गए हैं। प्रबंधन राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। लगातार यहाँ का टोटल काम हो रहा है, आउटसोर्सिंग का काम हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग का काम हो रहा है, लेकिन जिससे डायरेक्ट में लोग प्रभावित होंगे, जैसे मजदूरों को इसमें काम मिलेगा, उनका काम आज लगातार 3 साल से नहीं हो रहा है। और अगर 2 बार हुआ भी तो 2 DO यहाँ से उठने का काम हुआ, 1 बार 5000 या 3000, 2 बार DO उठा और उसके बाद से लगातार रुका है। और मामला फंसा हुआ है कि दंगल का बंटवारा, दंगल अगर बढ़ जाता है तो जो मजदूर, चूँकि मांझी बस्ती के लोग भी प्रभावित हैं, चांदमारी के लोग भी प्रभावित हैं, बस्ताकोला के भी लोग, बस्ती के लोग भी प्रभावित हैं, तो जो भी लोग प्रभावित हैं उस सब लोगों को इसमें काम मिल पाएगा। लेकिन लगातार आज हम लोग कई बार एजेंट साहब से मिल चुके हैं, कई बार मैनेजमेंट के सभी पदाधिकारी से मिल के लिखित में दे चुके, हमको लगता है 3 से 4 बार हम लोग पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन कोई किसी तरह का किसी के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। सब कार्य हो रहा है लेकिन मजदूरों का काम नहीं हो रहा है। अंततः हम लोग संयुक्त मोर्चा बैठ के यह निर्णय लिया है कि 15 दिनों का समय अभी लास्ट दिया जा रहा है, अगर इस 15 दिनों में दंगल का बंटवारा किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग टोटल काम को बंद करते हुए संयुक्त मोर्चा में लगातार बैठने का काम करेंगे। संयुक्त मोर्चा में तो और भी पार्टी लोग के लोग मोर्चा में थे, लेकिन पहल उन लोगों के द्वारा पहल किया गया था शुरू में, लेकिन फिर आगे बढ़ के अभी भी हम चाह रहे हैं कि लोग पहल करें और किस प्रकार दंगल का बंटवारा हो जाए तो सभी लोग मिल के करें। लेकिन हम लोग 8 से 9 लोग एक जगह हैं, तो स्वाभाविक है कि जब ज़्यादा लोग जहाँ हैं तो वो संयुक्त रूप से हैं, और हम लोग संयुक्त सब लोग हैं और एक रास्ता निकले और मजदूरों के बारे में सब लोग सोचे, मैनेजमेंट भी सोचे, जो भी यूनियन के पदाधिकारी हैं या नेता हैं जो कार्य कर रहे हैं मजदूरों के लिए सोच रहे हैं, आगे पहल करके कार्य चालू होना चाहिए। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले यहाँ पे बस्ताकोला कुलरी जो लोडिंग पॉइंट है, यहाँ पर मजदूरों के साथ में न्याय नहीं हो पा रहा। 3-4 महीने से लोडिंग का कार्य बंद है, जिसके चलते मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति हो गई है। तत्पश्चात हम लोगों ने कई बार यहाँ के परियोजना पदाधिकारी है उनको हम लोगों ने लिखित दिया, उन्होंने दंगल मांगा, हम लोगों ने दंगल बंटवारा पे भी उनको लिखित दिया, उनके समक्ष हम लोगों ने जाकर बैठ के भी वार्ता किया, पर यहाँ पर प्रबंधन जो है लग रहा किसी न किसी दबाव में है और संयुक्त मोर्चा के साथ में और यहाँ के मजदूरों के साथ में वो न्याय करता हुआ नहीं दिख रहे हैं और यहाँ पर वो विफल दिख रहे हैं, जिसके चलते संयुक्त मोर्चा के सभी मजदूर भाइयों ने निर्णय लिया है कि हम लोग यहाँ 10 फरवरी से इस परियोजना का और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टिंग चल रहा है उसका चक्का निश्चितकालीन जाम करने का कार्य करेंगे। इससे पहले जो वार्ता हुई थी उसमें क्या बात हुई थी आपका? इसमें वार्ता हुआ था तो हम लोगों ने अपना पक्ष रख दिया था, संयुक्त मोर्चा के लोगों ने, हम लोग गया और हम लोगों ने जो भी हम लोग जितने दंगल मांगा गया था हम लोगों ने उसकी सूची दे दी, पर इसमें प्रबंधन जो है वो अभी तक जो है आश्वासन दे करके अभी तक वो कुछ ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है, जिसके चलते यहाँ के मजदूरों का समझ भुखमरी की स्थिति हो गई है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 10 फरवरी से हम लोग इस परियोजना का चक्का और ट्रांसपोर्टिंग दोनों ठप करने का कार्य करेंगे।